हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल द वेयर्स किचन। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ टूटी फ्रूटी कढ़ाई केक, जो कि हमने बनाया है कढ़ाई के अंदर। यहाँ पर हमने अवन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है। जिन लोगों के पास अवन नहीं है तो वो लोग घर पर केक किस तरीके से बना सकते हैं, तो वो तरीका आज मैंने बताया है इस वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टूटी फ्रूटी कढ़ाई केक बनाना। तो यहाँ पर मैंने ली है एक नॉन स्टिक की कढ़ाई। ये कढ़ाई हम काफ़ी बार यूज़ कर चुके हैं, इसकी जो कोटिंग है वो निकल चुकी है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी पुरानी कढ़ाई रखी हो तो आप उसी के अंदर केक बना सकते हैं। इसमें इस तरीके की कढ़ाई में भी केक जो है बहुत ही ईजीली बन जाता है। तो इस कढ़ाई के साइज़ का जो बट्टर पेपर है हम उसको कट कर लेंगे। आप चाहे तो बिना बटर पेपर का यूज़ किए भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कढ़ाई के साइज़ का बटर पेपर कट कर लिया है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको ऑयल से ग्रीस करेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप ऑयल से कढ़ाई को ग्रीस करके इसके ऊपर मैदा भी डस्ट कर सकते हैं, बटर पेपर को अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चारों तरफ अच्छे से ऑयल को लगा दिया है। तो अब हम इसके अंदर बटर पेपर को सेट कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने बटर पेपर अच्छे से सेट कर दिया है और इसके ऊपर भी हम हल्का हल्का जो ऑयल है वो अच्छे से लगा देंगे। तो यहाँ पर जो हमारी कढ़ाई है वो रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक बॉल, इसके ऊपर हम रखेंगे एक सीव। और अब हम इसके अंदर सबसे पहले डालेंगे 125 ग्राम मैदा, यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर। और इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। और अब हम डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। और साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे पाउडर शुगर 1/2 कप। तो यहाँ पर मैंने लिए है पाउडर शुगर 1/2 कप। सिंपल चीनी को मिक्सी के जार में डालकर हमने छान लिया है। तो यहाँ पर हमने पाउडर शुगर भी इसके अंदर डाल दी है। अब हम इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से छान लेंगे। जब आप बेकिंग करें तो उसमें जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको छानना बेहद ही ज़रूरी है। अगर आप छानेंगे नहीं तो हमारा जो केक है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हमने हमारे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लिया है। तो अब हम इनको साइड पर रख देंगे और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पर लिया है मैंने क्लीन बॉल। और अब हम इसके अंदर सबसे पहले डालेंगे 1/2 कप दही। दही याद रखिएगा खट्टी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने फ्रेश दही का यूज़ किया है। तो यहाँ पर हमने दही डाल दी है बॉल के अंदर। तो अब हम दही को अच्छे से विस्क कर लेंगे। एक भी लम्स जो है वो दही के अंदर नहीं रहने चाहिए। तो यहाँ पर हमने दही को अच्छे से विस्क कर लिया है। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/4 कप ऑयल। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ सनफ्लावर ऑयल का। याद रखिए केक बनाते वक्त कोई भी फ्लेवर का यूज़ ना करें। यहाँ पर मैं बिल्कुल अनफ्लेवर्ड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। तो ऑयल डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे दही के अंदर। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हमने पहले से छान के रखे थे। तो सारे एक साथ नहीं डालेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड करके डालेंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा डालेंगे। तो इसके अंदर हम डाल देंगे और कट एंड फोल्ड मेथड से हम इसको मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर इस तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे। तो ऐसे करते करते हम सारे जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट है वो इसके अंदर डालकर हम मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसको मिक्स किया है। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून पाइनएप्पल एसेंस। अगर आपके पास वनीला एसेंस है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे दूध। तो यहाँ पर दूध हमने लिया है 50 ml, लेकिन जो दूध है हमें एज रिक्वायर्ड लगेगा। बैटर के हिसाब से हम दूध का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दूध सबसे पहले इसके अंदर डाला है और इसको अब हम कट एंड फोल्ड मेथड से, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इस तरीके से मिक्स करेंगे। तो अभी जो बैटर की कंसिस्टेंसी है वो परफेक्ट नहीं है, तो थोड़ा दूध हम इसके अंदर और डालेंगे।
तो थोड़ा सा दूध हम इसके अंदर और डालेंगे और फिर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे कट एंड फोल्ड मेथड से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे केक के बैटर की कंसिस्टेंसी है बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर हमें 50 ml दूध लगा है इस केक के बैटर की कंसिस्टेंसी को इस तरीके से करने में। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 teaspoon वाइट विनेगर। तो वाइट विनेगर यहाँ पर हमने इसके अंदर डाल दिया है। तो अब हम इसको कट एंड फोल्ड मेथड से 1 से 2 बार और मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा बैटर है वो रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने ले ली है कढ़ाई। अब हम इसके अंदर बैटर को कर देंगे पोर और यहाँ पर हमारा जो बैटर है वो हमने कढ़ाई के अंदर डाल दिया है। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे टूटी फ्रूटी। तो यहाँ पर मैंने रेड और ग्रीन कलर के टूटी फ्रूटी लिए हैं। तो इन दोनों को हम डाल देंगे हमारे केक बैटर के ऊपर। और इसी बीच जो हमारा तवा है, रोटी बनाने का जो तवा होता है, उसको हम गैस पर प्रीहीट कर लेंगे 10 मिनट के लिए एकदम हाई फ्लेम पर। तो यहाँ पर हमने टूटी फ्रूटी डाल दिया। अब हम इसको 1 से 2 बार टैप करेंगे और चारों तरफ से अच्छे से इवन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको टैप कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा तवा है वो हमने प्रीहीट कर लिया है। यह हमने सिंपल नॉर्मल तवा लिया है जिस पर हम रोटियाँ बनाते हैं। तो प्रीहीट करने के बाद जो हमारी कढ़ाई है उसको हम रख देंगे तवे के ऊपर, गैस की फ्लेम को रख देंगे बिल्कुल लो पर। और अब हम इसको तब तक कुक करेंगे जब तक कि जो हमारा टूथपिक है वो बिल्कुल क्लीन निकल कर नहीं आ जाती। तो अब हम इसको 20 से 25 मिनट के लिए कुक करेंगे लो फ्लेम पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा केक है वो बनकर रेडी हो चुका है। इसके अंदर हम टूथपिक इंसर्ट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टूथपिक है वो बिल्कुल क्लीन निकल कर आई है। तो यहाँ पर जो हमारा केक है वो बनकर हो चुका है रेडी। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया केक बना है। तो अब हम इसको ठंडा होने के लिए कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा केक है बहुत ही अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो नाइफ से हम जो इसकी साइड्स हैं उनको अच्छे से रिमूव कर लेंगे ताकि जो हमारा केक है वो अच्छे से बाहर निकल आए। तो यहाँ पर हमने नाइफ से इसकी जो साइड्स हैं उनको अच्छे से हटा दिया है। तो अब हम इसके ऊपर रखेंगे एक प्लेट और इसको कढ़ाई को जो है उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा केक है बहुत ही ईजिली निकल चुका है। तो अब हम इसके ऊपर से जो ये बटर पेपर हमने लगाया था इसको रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा केक है कितने अच्छे से कुक हुआ है, पीछे से भी आगे से भी। तो अब हम इसको, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना स्पॉन्जी केक बना है। तो अब हम वापस से इसको कढ़ाई के अंदर डाल देंगे। तो अब हम कट करेंगे इसको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट, कितना स्पॉन्जी हमारा केक बनकर रेडी हुआ है। तो यहाँ पर हमने इसका एक पीस निकाल लिया। तो आप देख सकते हैं हमारा केक बनकर हो चुका है रेडी। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें और ये केक अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें और हमारे चैनल द वियर्स किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें।